ऐ कहाँ ले जा रही हो मैं हा? बहुत तमाशा कर चुके हो राजा, चलो कमरे में चलो। नहीं कमरे में नहीं, यहाँ सबके सामने जो बोलना है सबके सामने बोलो। बहुत हो गया पर्दा, बस स्टॉप इट नाउ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से इस तरह बदतमीजी करने की? अगर एक लफ्ज भी और कहा। आप चुप रहिए, मियां बीवी के बात में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? बहुत दखल देते हैं आप हमारी जिंदगी में, चुप रहिए आप। राजा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें सबके सामने, क्यों शर्मिंदा? हाँ शर्मिंदा, अब आई है असली बात जुबां पर, सुन रहे हैं आप लोग? ये सब हमसे शर्मिंदा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक मामूली आदमी, एक टैक्सी ड्राइवर इतने बड़े घर का दामाद बनकर आया है, और इस अनपढ़, इस गवार, इस जाहिल को अपनाने में सबकी गर्दन शर्म से झुक चुकी है। बेचारे झूठी शान के मारे। राजा राजा तुम भी तो शर्मिंदा हो हमसे। मैं? नहीं हो? नहीं। झूठी मक्कार धोखेबाज तुम भी औरों जैसी निकली। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप सबके सामने मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? क्या नहीं किया है तुमने? झूठ बोला है हमसे झूठ, इस झूठी महफिल के काबिल बनाने के लिए किसी के फेंके में कपड़े तक पहनाए हमें। मैंने? नहीं पहनाए तुमने, ये कपड़े खरीदे हैं तुमने? राजा मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि झूठ कहा ना तुमने, कहा ना तुमने झूठ। अच्छा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, सोचो तो, दरअसल आरती बेटी ने झूठ तुमसे इसलिए कहा क्योंकि झूठ, सब झूठ कह रहे हैं। पूछो इससे क्या ये कपड़े इसके नहीं है? मेरे? क्या तुम इसके पास नहीं गई थी हमारे लिए भीख मांगने के लिए? मेरे कपड़े? क्या बकवास कर रहे हो तुम राजा, मैंने कब तुमसे कहा कि ये कपड़े मेरे हैं भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो? आरती बेटी को सबके सामने शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? झूठे झूठे तुम सब झूठे, सब झूठे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी।
प्रीति आरती का जन्मदिन एक ही दिन पर? इट्स वेरी रेयर। हाँ, हम दोनों का जन्मदिन एक ही साथ है और हम इकट्ठा मनाते हैं हर साल। हाउ स्वीट। मिसेस सहगल कहाँ पर है? मिसेस सहगल चालू। यस डार्लिंग, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। ओह हाय अंजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू मस्ट मीट, ये है मेरा भाई। हेलो स्वराज, एंड कम हियर, डोंट बी शाय, कम कम कम, ये है मेरा भतीजा जय, इजंट ही हैंडसम? ओह बुआ, वाओ, वो कौन है? अरे आरती, wonderful daughter in the world, my daughter Aarti, give her a big hand. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Aarti, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday. I love you, Papa. I love you too, my daughter. Love you. Oh, Papa. Many, many happy returns of the day. Excuse me, Mr. Sehgal. Yes? आपके फिगर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी लड़की की माँ हैं? आपसे किसने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ, सौतेली हूँ? लेकिन मेरी बहना आरती को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। डैड, बुआ थोड़ी बेवकूफ है ना? थोड़ी नहीं, बहुत। पालन खेत, तुम पालन खेत जाना चाहते हो? इसमें हंसने की क्या बात है? आरती, दुनिया अमेरिका यूरोप देखने जाती है और तुम पालन खेत जैसा छोटा सा हिल स्टेशन देखना चाहती हो? आरती, तुम स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि जो पालन खेत में है वो कहीं और नहीं। ऐसा क्या है पालन खेत में? मेरी माँ की यादें। पापा, आप पहली बार मेरी माँ को पालन खेत में ही मिले थे ना? देखो आरती, अब शालू ही तुम्हारी माँ है। जो मर गई गुजर गई, उसे भूल जाओ। इट्स ओके डार्लिंग, ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। और आप भी तो कुछ दिनों के लिए जर्मनी जा रहे हैं ना? हाँ, तुम कब जाना चाहती हो? आप कब जर्मनी जा रहे हैं पापा? मैं तो कल ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम भी कल ही चले जाएंगे। लेकिन आरती, मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दे सकती। लोग क्या कहेंगे, कैसी माँ है जवान बिटिया को अकेले। मगर मैं खुद ठीक कह रही हूँ मम्मी। गुलाब और कमल। यस सर। देखो तुम दोनों भी कल आरती के साथ जाओगे। स्विट्जरलैंड सर। स्विट्जरलैंड नहीं गुलाब सिंह, तुमने क्या नाम बताया उस जगह का? पालन खेत। गुलाब सिंह। यस बेबी। तुमने ताज होटल फोन किया था? यस बेबी। गाड़ी भेजने को कहा था? यस बेबी। तो गाड़ी आई है क्या? नो बेबी। अब क्या बोलना बेबी, इधर के होटल सब फालतू इच्छे। अभी लंदन फोन किया था। लेकिन ये लंदन नहीं है। अब तुम दोनों मेरा मुंह ही देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? वहाँ एक लौती टैक्सी खड़ी है, अब वो भी चली गई तो हम यही रह जाएंगे। गुलाबो। यस कमो। बेबी ठीक बोलती है। बेबी आप इधर ही रुको, हम लोग टैक्सी लेके आते हैं। चल लेट्स गो। यू स्टे ऑल या ओफो। राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी और नंबर है इसका 420। एनीवे हमको क्या, कम ऑन चल। टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। ए टैक्सी पाशा। लेजी टैक्सी ड्राइवर,
ये लोग बहुत सुस्त होता है, लगा सो रहा है। अब क्या होगा कम्मो? मैं उठाता ना। ए, उठ, उठ, उठ। ए, क्या करता रे? तू कौन है रे? मैं इस टैक्सी का क्लीनर हूँ रे, रजनीकांत। रजनीकांत। ए छुट्टन, अपने ड्राइवर को उठा, हमको पालन खेत जाने का। क्या नहीं जा सकते? ए, क्यों नहीं जा सकता? उस्ताद के सोने का टाइम है, मालूम नहीं क्या? सोने का टाइम है? तेरा उस्ताद कुमकरण है जो उठ नहीं सकता? ए गुलाबो, एक पाव तू पकड़, एक पाव मैं पकड़ता हूँ, देखते हैं कैसे नहीं उठता है। ए उठ उठ, ए कुमकरण की छट्टी औलाद, उठना रे, उठ। सादा भी जगली। ए ए कुमकरण की छट्टी औलाद, समझता क्या है रे तू अपने आप को? कौन उठाया राजा हिंदुस्तानी को? मैंने उस्ताद, ये ये हमको कुंभकर्ण की छठी औलाद किसने बोला? मैंने उस्ताद, ये ये हमारी टैक्सी पे कौन ठोका? मैंने उस्ताद, ये ये ओ गॉड, ओ गॉड, न न न न ए हीरो, शर्म नहीं आती? औरत को हाथ उठाता है? औरत? ये औरत है? और नहीं तो क्या, दिखता ना है? और तू कौन है, इसकी बहन? हाउ सिक, हम पुरुष गुलाब सिंह, ये औरत है कमल पास है। यहाँ सब गड़बड़ है उस्ताद, नरम गरम है और गरम नरम है। अरे वो है ना उस्ताद? क्या हमें टैक्सी चाहिए, पालन खेत जाना है। चुपचाप बोल, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाएगा? हमारी मर्जी, हमको नहीं जाना है। तो हम कैसे जाएगा पाशा? सामान सर पे उठाओ और 250 किलोमीटर पैदल जाओ। लेकिन टैक्सी, तुम हमारा बात तो सुनो। बोला ना नहीं? अरे सुनो तो। अरे बोला ना नहीं? लेकिन सुनिए तो। अरे बोला ना नहीं? प्लीज, हम यहाँ नए हैं और यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप पैसे ले लीजिए। कितने लेंगे आप? 500 रुपए? अच्छा 600 रुपए ले लीजिए। प्लीज। अच्छा आप ही बताइए कितने पैसे लेंगे? उस्ताद, उस्ताद। 500 बहुत है मैम साहब। क्या? हाँ मैम साहब, 500 रुपए बहुत है मैम साहब, वैसे भी हमारी गाड़ी पालन खेत की है। वाह 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 वा रे पाशा, हम पूछे तो ना बोले, मैम साहब पूछे तो हाँ बोले, ऐसा क्यों रे? ऐसा क्यों रे, हमारी मर्जी। ये रजनी, मैम साहब का सामान लेकर आ। आइए मैम साहब, आइए आइए बेटी, आइए। ए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, चलो निकलो। अपनी बेबी के साथ बैठने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैम साहब पीछे आराम से बैठेंगी। चलो हम लोग आगे बैठे। आगे नहीं, आगे नहीं, आगे हमारा क्लीनर रजनीकांत बैठता है, और वैसे भी हम चलाते वक्त कभी हाथ मारता है, कभी पैर मारता है। तो फिर हम किधर बैठेगा? हाँ फिर ये कहाँ बैठेंगे? अरे मैम साहब आप मत घबराइए, इनके लिए हमारे पास एक खास एयर कंडीशन जगह है। हाँ एयर कंडीशन? हाँ कहाँ रे? ऊपर। ओ गॉड, लगता है ये मैटरियल को बाहर डालेगा। अरे गट के पकड़ के बैठ रहे, मेरे को तो यार भी पागल लगता है रे। ओए मां, क्या कर रहे हो? आगे देखो उस्ताद, एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी चुप। सुनो। हाँ मेम साहब। यहाँ से पालन खेत कितना दूर है? बैलगाड़ी में 28 घंटे मेम साहब, गांव की खटारा बस में 5 घंटे, और राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी में सिर्फ 3 घंटे मेम साहब। राजा हिंदुस्तानी? तुम्हारा नाम राजा हिंदुस्तानी है? हाँ मेम साहब। अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा अलग है ना? हाँ मेम साहब अलग है, हमारा नाम सबसे अलग है मेम साहब। राजा इसलिए क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं, हम पर कोई राज नहीं कर सकता। और हिंदुस्तानी इसलिए क्योंकि इस देश में हर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, हरिजन है, बस कोई हिंदुस्तानी नहीं। और वैसे भी मेम साहब हम तो अनाथ है ना मेम साहब, जब हम छोटे से थे ना तब हमारे मां-बाप गुजर गए, अब तो बस हम अपनी देश की संतान है। काफी दिलचस्प आदमी हो तुम, राजा हिंदुस्तानी है ना।
शुक्रिया मेम साहब। ये क्या है? क्यों मेम साहब, अंग्रेजी गाना है, शहर वालों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बंद करो इसे। अच्छा मैम साहब, अच्छा। ये क्या है मैम साहब? ये तो हिट गाना है, हिंदी फिल्म का हिट गाना। मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज बंद करो इसे। अच्छा तुम गाते भी हो? हाँ मैम साहब, हम बहुत अच्छा गाते हैं, आप सुनेंगी? सुनाओ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
देखिए मैडम, यहाँ पे आपके नाम की कोई बुकिंग नहीं है। हाँ? मगर ये कैसे हो सकता है, हमारी बुकिंग तो इसी होटल के लिए कन्फर्म्ड है। गुलाब सिंह, तुमने फोन किया था ना? ये क्या पाशा, रोते काहे को? हमने बुकिंग तो की थी बेबी, मगर यहाँ के ताजमहल की नहीं, वो आगरा के ताजमहल की। क्या क्या रे पाशा, दिमाग किधर रहता तुम्हारा? हाँ गुलाब सिंह, आई एम सॉरी बेबी, सॉरी माय फॉल्ट। एनीवे आप अभी हमारे लिए दो रूम्स बुक कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, यहाँ तो क्या आपको पूरे पालनखेत में कहीं जगह नहीं मिलेगी। बोलो अब क्या करेंगे? अरे मैम साहब, आप घबराते क्यों हैं? हम है ना, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ 5 तारे नहीं 1000 तारे हैं, जहाँ सेवा धन से नहीं मन से की जाती है, और जहाँ कमरे खाली ना हो तो दिल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चलिए मैम साहब। लेकिन राजा, ऐसी कौन सी जगह है? आइए, ये देखिए मेम साहब, ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। क्या मुंह भर के झूठ बोले ना पाशा, बेबी इस कबाड़ खाने को तो कोई अंधा भी 5 स्टार नहीं बोलेगा। ओ हेल, व्हाट अ बोरिंग प्लेस, ये होटल है कि धर्मशाला? इधर बेबी कैसा रहेगा, इधर तो गधा लोग भी बनने को तैयार नहीं होएगा। तो गधे जहाँ से आए हैं वहीं पर वापस जा सकते हैं। यू इंडियन, तुम हमको डोंकी बोला? ए बेबी स्टॉप इट, क्यों बेकार में बहस कर रहे हो तुम लोग? अच्छी खासी जगह तो है वो, 5 स्टार होटल से कहीं ज्यादा अच्छी। हाँ राजा जी। मैम साहब, ये किसी का घर है क्या? हाँ मैम साहब, ये हमारे चाचा चाची का घर है। और ये टैक्सी है ना, ये भी उन्हीं की है, हम तो सिर्फ चलाते हैं। सगे चाचा चाची है तुम्हारे? नहीं मैम साहब, रिश्ता खून का नहीं दिल का है, आप तो जानती है ना मैम साहब, हम हिंदुस्तानी हर जगह एक नया रिश्ता कायम कर लेते हैं। बस ऐसे एक मुंह बोला रिश्ता है चाचा चाची और हमारा। ए रजनी, जाके चाचा को मैम साहब आइए, जल्दी जा। और सुन बोलना, साथ में दो नौकरानियां भी लाई हैं। क्या बोला? बेबी चुप। हाथ कट गया ना? नहीं तो नहीं। क्या कर रही हो? क्यों? लोग कहते हैं कि अगर शेरनी के मुंह खून लग जाए ना तो वो जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा तो मैं शेरनी हूँ और तुम? मैं लोमड़ी। मैं चाचा। अरे तू आ गया? हाँ उस्ताद भी आला है, साथ में मेम साहब लाला है। मेम साहब, राजा और मेम साहब, मैं भी जरा जाकर देखूं ये राजा कौन सी मेम साहब लाया है, है? वाह बहुत सुंदर हो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? आरती। आहा कितना प्यारा नाम है। बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। देखो बेटी, जितने दिन यहाँ रहना चाहती हो उतने दिन रहो, कोई होटल वोटल में जाने की जरूरत नहीं है। That's so sweet. हाँ बेटिया, कब आइए मेम साहब आइए। अरे रजनी तू जाके सामान निकाल, तुम नौकरानी हो जरा सी मदद करो, जाओ जाओ। आइए मैम साहब आइए आइए। ठहरो जरा एक मिनट। मैं तो भूल ही गया। ये मेरी धर्म पत्नी है और ये बेचारे मेरे पति हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। चाचा चाची एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं मैम साहब। बेटी इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। जीती रहो। ये आप क्या कर रही हैं? बेटी अतिथि लक्ष्मी का रूप होता है और आरती के बिना लक्ष्मी घर के अंदर कैसे आ सकती है? हाँ हाँ हाँ।
तूने हम पे पानी क्यों फेंका? अभी क्या करेगा उस्ताद, हाथ तो हाथ है ना, थोड़ा ही क्या। ए, जितना हमारा हाथ हिलेगा ना तेरा भेजा हिल जाएगा। भेजा तो इस वक्त आपका ही ले ला उस्ताद। क्या बोला तू? ये सुबह सुबह किसको देख रहे थे? वो तो हम सुबह देख रहे थे कि कितना अच्छा सूरज निकल रहा है। सूरज? सूरज तो वो बाजू निकलता है उस्ताद, ये बाजू कौन निकला? तू बहुत बात करने लगा आजकल। साला 2 फुट 2 इंच। सारी उस्ताद सारी। मानो क्या? आपको अपनी खूबसूरत सुबह की कसम। हाँ ठीक है ठीक है, तू जाके ठीक से गाड़ी धोना, आज हमें मेम साहब को बाजार ले जाना है। आइए मेम साहब आइए, ये देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे पालन खेत का टैक्सी स्टैंड। ये टैक्सी स्टैंड मेरे पास हिंदुस्तानी बेबी बॉम्बे सीधा तेरा टैक्सी स्टैंड देखने को नहीं आया है? ए नरम, ये टैक्सी स्टैंड हमारी रोजी रोटी है, इसके बारे में कुछ बोला ना तो कान नाक में फर्क नहीं छोड़ेंगे हम। कम वो ए क्या क्या ए, ए, क्या? क्या हो रहा है ये सब? चलो राजा कुछ और देखते हैं। अच्छा ठीक है मेम साहब, आप कहती हैं तो। लेकिन मेम साहब एक मिनट, आप हमारे जिगरी दोस्त से मिले बिना नहीं जा सकती हैं। ओए बल्ले, ओए कौन है ओए? ओए राजे, ओए मेरा यार, ओ बल्ले मेरी जान, ओए पीते पीते ओ जाने, ओए अच्छा बल्ले 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 ले पीते ओए जा ओए ये ओए रे, ओ मेरी मक्के की रोटी, ओ मेरा सरसों का साग, ओ मेरी तंदूरी चिकन, ओए मेरे लस्सी का ग्लास, ओए बल्ले यार, ओ ओ ओ, ओ, ओ So cheap, so disgusting, baby. Look at them. Oh, Mem Sahab, oh, ये हमारा यार है। Mem Sahab, ये हमारा सबसे प्यारा यार है। इस टैक्सी यूनियन का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। हाँ हाँ वही वही। और बल्ले, ये हमारी Mem Sahab है, Mem Sahab। बम्बई से आई है, बम्बई से। सच कहा जी, आओ जी अंदर आओ जी, लस्सी पी सी। नो, थैंक यू। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। राजा? हाँ हाँ, मेम साहब को थोड़ी खरीदारी करानी है। अरे बल्ले, तू तब तक इन दोनों की खातिर कर, हम मेम साहब को लेकर जाते हैं। बेबी। हाँ हाँ, तुम दोनों बलवंत सिंह के साथ बैठो, लस्सी वस्सी पियो, मैं जरा शॉपिंग करके आती हूँ। कम ऑन राजा, लेट्स गो। अच्छा बल्ले, ओ भाई राजे, ओए तुसी फिक्र ना करो यार, ओ तुसी मेम साहब दे की लगदे हो? अंग रक्षक। ओए वड्डा चंगा रक्षक जी, तो साढ़े भी अंग लग जाओ जी। कमीना। एक मिनट रे, डैडी पहले छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, एक बार फिर। पंगा जरूर है। ओ तुसी अंदर आओ जी, आ जाओ जी, आ जी आ। ऐसे बैठो ऐसे बैठो, उधर बैठो। ओए बारा सिंह, ओ तो लस्सी दा ऑर्डर करो, ए बलैश लाए मार के जबरदस्त। वड्डी गर्मी लग रही है, ओ यार तो स्वेटर निकालो यार, छोड़ो, वड्डी गर्मी लग रही है, निकालो। मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? मैं निकाल दे रहा हूं यार। कमाल है यार, पहलवान तो एक इशारा पाते ही कपड़े उतार देते हैं, ऐ तो छोकरी की तरह शर्मांदा है यार। इडियट, छोकरी तो क्या छोकरी की तरह नहीं शर्माएगी? तू छोकरी है? तभी मैं सोचूं तेनू हाथ दबाने के बाद मेरे दिमाग में कांटियां क्यों बज रही थी। ओ खबरदार, मेरे को छोकरी नहीं कहने का, समझ गया? ओए 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 ओए। हेलो। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। बोलो। जरा पापा को फोन दीजिए। वो अब तक जर्मनी से वापस नहीं आए। कब लौटेंगे? कुछ दिन बाद। अच्छा, अगर उनका फोन आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं ताज में नहीं, एक बहुत अच्छे चाचा चाची है उनके यहाँ ठहर रही हूँ। उनका एड्रेस है 301। एड्रेस फैक्स कर देना। हेलो 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 हेलो। ताज में रहो या कहीं भी, मेरी बला से मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। झूठी एक्टिंग करने में माहिर तो हो ही तुम बहना। तुम्ही से सीखा है भैया। शाबाश, यूं ही मेरी नसीहत पर चलती रही ना तो एक दिन सारी जायदाद तुम्हारे नाम यानी हमारे नाम हो जाएगी। और वो आरती? आरती उसका रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। अरे मेम साहब एक मिनट, एक मिनट मेम साहब एक मिनट, ये लो मेम साहब। ये क्या है? रख रहा मेम साहब। लेकिन ये है क्या? अरे मेम साहब, यहाँ का हर दुकान वाला हम गाइड लोग को ग्राहक लाने के लिए कमीशन देता है। अच्छा, ये हमारा कमीशन है। इसे तुम रख लो, इस पर तुम्हारा हक है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम आपके पैसे में से कमीशन कैसे लेंगे, रखिए ना। आर यू श्योर? क्या मेम साहब?
पक्का? हाँ पक्का 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 मैम साहब। थैंक यू राजा। हैप्पी थैंक यू मैम साहब। हैप्पी थैंक यू। क्या? हैप्पी थैंक यू। जब मैं थैंक यू बोलूंगी तो तुम्हें कहना चाहिए यू वेलकम। क्या मैम साहब? यू वेलकम। क्या? पहले बोलो यू। गू? छी छी, गू नहीं, यू। यू? यू। रहने दो, तुमसे नहीं होगा राजा, चलो। हमसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? चलो राजा। हाँ हाँ मैम साहब। हाँ थैंक यू राजा। क्या बोला था मैम साहब? यू कम कम। हाँ यू कम कम, टोपी बन के। यू कम कम मैम साहब। थैंक यू राजा। यू कम कम मैम साहब। थैंक यू राजा। यू कम कम मैम साहब। थैंक यू राजा। यू कम कम मैम साहब। ए उस्ताद। क्या है? फालतू में ट्राई मारे ले, कुछ नहीं होने वाला। ए चल भाग यहां से। भागने का टाइम तो तुम्हारा है उस्ताद, मैम साहब तुमको याद करे ले। क्या मैम साहब ने याद किया? अरे वाह। मीम साहब आपने हमें याद किया। मीम साहब तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी जगह रहने को मिली, तुमने सारा शहर दिखाया, शॉपिंग करवाई और अपना कमीशन भी नहीं लिया। मीम साहब ये तो हमारा फर्ज है मीम साहब। लेकिन तुमने अभी तक एक पैसा भी नहीं मांगा, क्यों? पैसा कहाँ भागा जा रहा है मीम साहब, हम तो यही है ना, और आप भी तो कुछ दिन और यहाँ हो ना मीम साहब। फिर भी लो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है मैम साहब। मैं रजनीकांत से हिसाब पूछ चुकी हूँ, ये 800 रुपए टैक्सी के और ये 200 रुपए तुम्हारी बख्शीश। बख्शीश? हम आपसे बख्शीश कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं? बस नहीं ले सकते। पर क्यों नहीं ले सकते? औरों से ले सकते हो मगर मुझसे नहीं। शर्मा रहे हो? कम है और दू? चलो रखो रखो। ठीक है अब तुम जाओ। ए राजा। हाँ मैम साहब। थैंक यू। यू कम कम मैम साहब। You come come. You come come. पागल। ए तू घबरा मत। मैं है ना तेरे साथ। मैं बोलते हैं। ए राजा। क्या है? चल ना, हम लोगों को बाजार जाने का है। हमें बाजार नहीं जाना है। ए क्यों रे? ए उस्ताद का मूड खराब है। मूड खराब है ना, गाड़ी तो खराब नहीं है। बोल दिया ना बाजार नहीं जाएंगे। ये एहसान कर रहे हैं क्या हम पे? टैक्सी का भाड़ा दिए कि नहीं? हम छप्पन। ए एक मिनट, टैक्सी का भाड़ा मेम साहब ने दिया है, हम मेम साहब के नौकर हैं, मेम साहब के नौकर नहीं। जबान तो देखो इसकी, कैंची की तरह चलती है। कट कट। अबे तेरी तो। ए नरम है गरम, उस्ताद का एक हाथ पड़ गया ना तो सारा भावता मिल जाएगा। हाथ लगा रजनी को। मेम साहब को अभी जाके बताए ना तो। मेम साहब का क्या हाल दिखा रही है, जाके बोल अपने मेम साहब को, हम मेम साहब से डरते नहीं है। नहीं डरते मेम साहब से? नहीं डरते। छोड़ इनको यार, रजनी चल रहे। ऐसे नहीं। फिर कैसे? क्या मेम साहब हमारी बहुत तारीफ करती हैं? ए तुम लोग लफड़ा तो नहीं कर रहे हो? ए पाशा तौबा, मेरे बाप की तौबा। कसम से राजा, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे, हमें मरना है क्या? चल इस छुटके की कसम। ए छप्पन, मेरी झूठी कसम काहे को? ओफो इसको छोड़ना, मेरी सुन, बेबी तेरे बारे में क्या क्या बोलती है। अच्छा मैं क्या बताऊं? क्या कहती मेम साहब? बेबी कहती है राजा कितना सुंदर है। सुंदर? उस्ताद। अरे तुझे बैठ। और क्या कहती है मेम साहब? और कहती है राजा क्या गाता है, क्या चलता है, क्या हंसता है यार। अच्छा? मगर अफसोस। अफसोस किस बात का? ए कह दूं? कह देना। अरे बोलना। कहती है राजा साहब अच्छा है मगर न क्लास है न स्टाइल। वो क्या होता है? अरे यार चलने फिरने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, जाने एकदम हीरो माफिक। हीरो हीरो माफिक? अच्छा मैं सब कुछ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है,
हम ऐसे करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हीरो माफिक। अरे तू चुप बैठ। लेकिन हमें तो कुछ आते नहीं, हम कैसे करेंगे हम ये सब? अरे पाशा, तो हम किस खेत की मूली? चढ़ जाएगी सूली। तुम लोग हमारी मदद करना। बेबी, बेबी। बेबी, देखा राजा का स्टाइल? क्या क्लास है ना बेबी? एकदम हीरो माफे। बेवकूफ है मेम साहब, एकदम बेवकूफ। लेकिन हम आपसे एक बात कह देते, वैसे तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन इन लोग ने आपका नाम लिया और हम बेवकूफ बन गए मेम साहब। आहा, तुम बेवकूफ नहीं हो राजा, तुम तो सीधे हो, साधे हो, एकदम शरीफ हो, है ना? कोई फायदा नहीं मेम साहब, इस दुनिया में शराफत और सादगी का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर सच्चे दिल वालों का कोई मोल नहीं होता मेम साहब, कोई मोल नहीं होता। लेकिन सच्चे दिल वालों का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता, वो तो अनमोल होते हैं। अरे वाह, कितनी गहरी बात कही आपने। हमने तो ये सोचा नहीं था, सच्चे दिल वालों का कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल होते हैं। जैसे कि तुम। हम? हाँ, तुम। एक मिनट। अरे बल्ले, जरा 200 रुपए दे, जल्दी जल्दी निकाल। 200 रुपए? वो पूरा रख लेना यार। अरे नहीं, बस 200 रुपए, ये लो मेरे सामने। ये क्या है? बख्शीश। बख्शीश? हाँ मेम साहब, उस दिन आपको हमारी बात पसंद आई, आपने हमको बख्शीश दिया, आज हमको आपकी बात पसंद आई, हम आपको बख्शीश दे रहे हैं, हिसाब बराबर। लो ना मेम साहब। लेकिन मेम साहब, लो ना। राजा, थैंक यू। यू कम कम मेम साहब, यू कम कम। बख्शीश। ए मेरे को तो पसंद है। ए चल बेबी को बोलेगी। क्या? ए क्या कर रहे तुम लोग? बेबी, बेबी ड्रेस देखो ना, क्या सुंदर लगता है। प्लीज बाय। ओह वाह, इतना ब्यूटीफुल ड्रेस है, आप पे बहुत जचेगा। रियली? प्लीज। हाँ बेबी, खरीद लूँ? हाँ 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 हाँ। तुम लोग यही ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अरे एक ही नजर में पसंद किया मेरे वालों। मेम साहब कहाँ हैं? बेबी हमारी है, तेरे को क्या? हाँ अबे तेरे को क्या, कम हो, जस्ट इग्नोर हिम। हाय गाइस। बेबी, हेलो, ब्यूटीफुल। कैसा लगा मेरा ड्रेस? बेबी ब्यूटीफुल। रियली, यू लाइक इट? यू लुक ब्यूटीफुल। लगता है
राजा को मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया। सच कहें मैम साहब? हाँ कहो। हमको ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या? हमारी मानिए तो ये कपड़े फौरन बदल दीजिए, अच्छे नहीं है। ये तो अनपढ़ गवार है, इसको क्या मालूम फैशन के बारे में। बेबी इसकी बात को छोड़ो, चलो चल के शॉपिंग करते हैं। चलो बेबी चलो। डोंट वेस्ट टाइम। आओ बेबी। बहुत सोचते हो तुम राजा, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, कम ऑन। बोलने दो जो भी उनको बोलना है, इग्नोर देम। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मैंने तुमसे बोला ना। ए चिकनी आती है क्या? नहीं आती तो फिर मैं आता हूँ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। वो अपने आप को आने तो दो से, फिर देखती हूँ। हाँ मैम सर। अच्छा तो तुम आ गए, क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? क्यों की तुमने इतनी मारपीट? इतनी सी बात के लिए तमाशा बना दिया तुमने। आप वैसे इतनी सी बात करी मैम साहब? वो बदमाश आपको छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ, और आप वैसे इतनी सी बात कह रही हैं? तो क्या हुआ, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो उन्हें, इग्नोर कर देना था। शहर में तो ये अक्सर होता है। शहरों में होता होगा मेम साहब, यहाँ नहीं होता। ये पालन खेत है हमारा पालन खेत, यहाँ बहू बेटे की इज्जत की जाती है, और जो लोग इज्जत करना नहीं जानते उन्हें दो जूते मार के सिखाया जाता है इज्जत कैसे की जाती है। अच्छा तो तुम दुनिया को सुधारने निकले हो, सरकार ने तुम्हें ठेका दिया है क्या? अरे कमाल है, हमने आपके लिए इतनी मारपीट की और अब हमें डांट रही है।
और हमारी एक और बात सुन लीजिए आप, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। हाउ डेयर यू, तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? कौन हो तुम? हाँ मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी और वही पहनूंगी, समझे? हम कौन होते हैं? कौन होते हैं हम आपसे कुछ भी कहने के लिए? आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे ही कीजिए, और हम भी वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। पहनिए जो जी में आए पहनिए, अनशन पहनते रहिए, और हम भी मुक्की में मुक्का मारते रहेंगे। आज सिर्फ टांगे तोड़िए ना, कल सर फोड़ देंगे, जान ले लेंगे सालों की। How dare you? क्या डर यू, डर यू? हम किसी से नहीं डरते, नहीं डरते हम किसी से, आपसे भी नहीं। हाँ मैम साहब, आपसे भी नहीं। राजा को ढूंढ रही हो? मैं जानती हूं वो कहां होगा। कहां है वो? वो तुम्हें अपने घर पर मिलेगा। घर? राजा, अंदर आ जाए। ये जगह आपको किसने दिखाई? चाची ने। चाची मुझे सब बता चुकी है। यही तुम्हारा घर है ना राजा? तुम्हारे माँ बाप का अधूरा सपना बहुत अच्छा है। आप यहाँ क्यों आई हैं? माफी मांगने। कल गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? हमारा आप पे हक क्या बनता है? बहुत नाराज हो। अच्छा बाबा देखो मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, अब तो मुझे माफ कर दो। देखो राजा, अगर तुमने मुझे अभी के अभी माफ नहीं किया तो तुम्हें रो दूंगी। हाँ ठीक है, माफ किया। अरे अभी तो इतने रूठे हुए थे और एक पल में मुझे माफ कर दिया, मतलब? हमसे किसी का रोना नहीं देखा जाता, जब कोई रोता है ना तो हम भी रो देते हैं। राजा यू आर टू क्यूट, यू आर अ डार्लिंग, यू आर अ स्वीटहार्ट। वो क्या होता है मैम साहब? स्वीटहार्ट दिलबर जानी। मैम साहब आपको पता है दिलबर जानी किसको कहते हैं? बिल्कुल, जो अपने दिल के करीब होता है, जान से प्यारा होता है, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, वही हम। हाँ मैम साहब। तुम? हम आपके सबसे प्यारा दोस्त हैं मैम साहब। अब ये सब बातें बातें छोड़ो और चलो, आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारा का सारा पालन खेत देखना चाहती हूँ। दिखाओगे? दिखाएंगे मैम साहब, जरूर दिखाएंगे। आज हम आपको जन्नत दिखाएंगे। आइए मैम साहब, आइए, चलिए। आंखें खोलूं राजा? नहीं मैम साहब, अभी नहीं, एक मिनट। ओहो कहाँ ले आए हो मुझे? आइए ना आप। राजा आंखें खोलूं? हाँ मैम साहब अभी खोली। वाह कितनी खूबसूरत जगह है राजा। है ना मैम साहब, है ना? हम जानते थे ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए मैम साहब, आइए आइए मैम साहब, बैठिए यहाँ पे, आइए। कितनी अच्छी है जगह।
शायद मेरी माँ और मेरे पापा यही मिले हो। क्या मैम साहब? जानते हो राजा, मेरी माँ और मेरे पापा पहली बार पालन खेत में ही मिले थे। आपकी माँ? आपकी माँ कैसी है मैम साहब? नहीं है, मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह, आपकी भी माँ नहीं है, हमारी भी माँ नहीं है, दोनों एक बराबर। राजा। ओह माफ करना मेम साहब, हम पता नहीं क्या क्या बक देते हैं, जो जी में आया बक दिया, बस यही मुसीबत है, हमें बात करनी नहीं आती। हट। किसने कहा तुम्हें बात करनी नहीं आती? तुम तो बहुत खूबसूरत बातें करते हो राजा। अच्छा। मेम साहब, हम तो सिर्फ खूबसूरत बातें करते हैं, आप तो खूबसूरत हो मेम साहब। मैं? हाँ मेम साहब, बहुत खूबसूरत हो आप। तुम भी ना राजा, बहुत झूठी तारीफ करते हो। अरे मेम साहब, कसम से, पालन खेत की कसम, आपसे खूबसूरत हमने आज तक किसी को नहीं देखा है। क्यों? ऐसी क्या खास बात है मुझ में जो कोई मुझे खूबसूरत कहे? सर से पांव तक तो आप खूबसूरत हैं, आपके बाल खास नहीं है, है? आपकी आंखें? मेरी आंखें? ए जरा इधर आओ। ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? आपकी आंखें? मेरी आंखें? आपकी आंखें? बोलो ना बाबा, ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। क्या? जी 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 जी। को शायरी थोड़ी आती है, हम क्या करें, लेकिन हम सच कहते हैं मेम साहब, आपसे खूबसूरत कोई नहीं, कोई नहीं। बस करो राजा, कोई सुनेगा तो हंसेगा। हम किसी से नहीं डरते मेम साहब, हम सबसे कह देंगे, इस आसमान से, इन बादलों से, इन पहाड़ों से, मेम साहब सबसे खूबसूरत है, खूबसूरत है, मेम साहब सबसे खूबसूरत है। तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया।
जैसा होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। Ha ha ha!
बेवकूफों ने तुझे बता दिया होगा कि डैडी आ गए हैं, और तू तूफान में दौड़ती हुई भीगती हुई अपने पापा से मिलने आई। अरे बिटिया देखो मैं तुमसे मिलने तो आया हूं। आई नो यू मिस मी डार्लिंग, आई नो। देखो मैं सीधा जर्मनी से तुमसे मिलने आया हूं, अभी तक घर भी नहीं गया। अब मिलकर साथ जाएंगे, हाँ तुम्हें वापस ले जाऊंगा। हाँ वापस। राजा कहाँ चला गया था तू? हम वो तूफान में फंस गए थे हम। चलो अच्छा हुआ जो तू आ गया, जल्दी से गाड़ी निकाल, तेरी मेम साहब जा रही है। मेम साहब जा रही है? हाँ उसके पिताजी उसे लेने आए हैं, अभी रात ही को निकलना है, सुबह फ्लाइट पकड़नी है। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल जल्दी से गाड़ी निकाल चल। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए, आपकी बेटी तो हमारी बेटी है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती
जैसी हो वैसे ही हमेशा रहना है? आरती। अच्छा चाची, मैं जाती हूँ? ना, कभी मत कहना कि जाती हूँ, कहना चाहकर आती हूँ। आओ बेटा चलें। अरे ये रात में काला चश्मा पहन रही हो, है? क्या हुआ? मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है पापा। अरे डोंट वरी, कचरा होगा खुद ब खुद निकल जाएगा। बैठो बैठो, चलो ड्राइवर चलिए। चलो भाई एयरपोर्ट पहुंचना है कि नहीं? हाँ चलो बैठो। डाटना डाली एक बस। बेचारा राजा। तो आरती हाउ यू बीन? ओके। इतने दिन क्या किया बेटा? कुछ खास नहीं पापा। लो भाई, हमारी बेटी रानी का हमसे बात करने का मूड ही नहीं। चलो हम किसी और से बात करते हैं। हाँ तो ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी, वाह बढ़िया नाम है भाई। ऐसा नाम एक बार कोई सुन ले उम्र भर ना भूले। क्या कमा लेते हो? देने वाले पर है साहब, कोई बहुत कुछ दे जाता है तो कोई कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो तुम, गाड़ी भी ठीक ही चला लेते हो। वैसे बंबई में ड्राइवरों की कमी है, तुम हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? तनख्वाह भी अच्छी देंगे, रहने के लिए कमरा भी दे देंगे, क्यों आरती? जी नहीं साहब, हम यहीं ठीक हैं। क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारी शादी वादी हो गई क्या? जी नहीं साहब। क्यों? जो चाहा वो अब तक मिला नहीं। कमाल है, तुम लोग भी सपनों की दुनिया में ही रहते हो, जैसे कोई सपनों की राजकुमारी आने वाली है। क्यों नहीं साहब, आएगी, हमारे लिए भी सपनों की राजकुमारी आएगी। अरे ये ट्रैफिक जाम कैसा है? खुदकुशी कर ली, बस इस तरह ही जाम हो गया जी। ओ लैंडिंग स्लाइड। लेकिन हमें तो कल सुबह तक एयरपोर्ट पहुंचना है। कोई गल नहीं जी, दो तीन घंटे लग जाने, तुसी एक काम करो, एमित्र दा दाबा हैगा, उधर रोटी छोटी खा लो, कुकर शकड़। और अजय, और अजय, और अजय पाजी लेके चल ले यार, और लस्सी वस्सी पिलाओगे जबरदस्त। ऐ ओ चलो, ऐ ओ चलो, नो प्रॉब्लम है।
दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे हाँ? तू तड़पता रहे
रह जाएगा, गाता रह जाएगा, ये देखती रह जाएगी दुनिया। सुनो, तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर नाचेगी। बेबी तुम्हारे राजा टैक्सी ड्राइवर से कभी शादी नहीं बनाएगी। ओए ओए बुरा शकुन ना बोलो, अगर तुम मेरे को अच्छी लगती नहीं होती ना, एक पटक नहीं देता, एक झटके तेरे को कमल से कमला बना देता। अपनी फूक बचा के रखना पाशा, बत्ती बुझाने का काम आएगी, ये शादी नहीं होने वाली। हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी। होगी नहीं होगी, अल्लाह की शर्त लगी। वो तो आ जा फिर पंजा लड़ाते हैं। चल देख कमलिए, मैं तेनो फिर कह रहा हूँ, चाने वाले हाथ पकड़ते हैं, कास के पकड़ते हैं, छाड़ दे नहीं है। ओए मुकाबला लड़ आ जा। चल चल चल। गर्मी करती है, चालबाजी करती है, अपना दूरदर्शन सिखा के मेरा स्टार टीवी खराब कर दिया, सारा केबल जला दिया। बटन क्यों खोली तू? मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए खोला। अगर मैं बटन खोलता तो फिर गर्मी नहीं लगती? मैनू गर्मी नहीं लगती। चिल्ला नको पाशा, ऐसी बात है ना, तो एक और मुकाबला करके देख, जीतेगी मैच। बड़ी गर्मी है। ठीक है, एक और मुकाबला। चल इस बार मुकाबला दूसरा होगा। कौन सा दूसरा? उसकी लड़की तू स्त्रीलिंग पुलिंग हो जा। बनेगी, बनूंगी, ब्याह करेगी, करूंगी। चलो ओए सोनिया, मैं मर जावा मेरी जान। ओए रजे
होगी 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 होगी। आरती ने अपना फैसला कर लिया है और शायद तुम्हें मेरे फैसले का इंतजार है। अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैंने इसकी बात मान ली, लेकिन इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। आरती यहां नहीं रहेगी और तुम्हें हमारे साथ बंबई में रहना पड़ेगा। तुम खुद को हमारे सांचे में ढालोगे, हमारी सोसाइटी के तौर तरीके सीखोगे और वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। जी नहीं। क्या? ना हम बंबई आएंगे और ना आपके समाज के तौर तरीके सीखेंगे और ना वो बनेंगे जो आप हमें बनाना चाहते हैं। हम जो हैं आपके सामने खड़े हैं और ऐसे ही रहेंगे। सुना तुमने मैं इसे क्या बनाना चाहता हूं और ये क्या बनकर रहना चाहता है? हाँ आरती, सुन रही हो ना तुम? और ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। इसके बावजूद भी अगर तुम हमें अपनाना चाहती हो तो फिर फैसले की घड़ी अभी है। जा रही हो आरती? अपने पापा को छोड़कर जा रही हो? जो पहला कदम तुमने मेरी उंगली पकड़कर बढ़ाना सीखा था, आज वही कदम मुझसे दूर जाने के लिए बढ़ा रही हो? बच्चा आरती लौट आओ। से मेरी जगह यही है पापा, आशीर्वाद दीजिए हमें। आशीर्वाद? तुम्हारी इस भूल को मैं कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुम्हारी ये शादी कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। मुझसे दूर रहकर तुम कभी खुश नहीं रहोगी आरती, कभी खुश नहीं रहोगी। चलो गुलाब और कमल। सर। हाँ सर, हम भी यही रहेंगे सर। हमारा ब्याह बलवंत सिंह से तय हो गया है सर। बलवंत सिंह के साथ? और तुम गुलाब सिंह, तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है क्या? हाँ साहब, हमें भी प्यार हो गया है। इन सब प्यार करने वालों से हमें प्यार हो गया है। अब हम इसी प्यार की नदी में रहेंगे, यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो तुम लोग, सब पागल हो गए हो। प्यार के भ्रम में मरोगे, मरोगे सब। चलो। आरती, आरती, चाची, आरती, नहीं बेटे, पापा ने हमें आशीर्वाद तक नहीं दिया। तो क्या हुआ बेटी, तो क्या हुआ? हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। भगवान ने शायद हमें इसीलिए बेऔलाद रखा कि हम तुम्हारा कन्यादान कर सके। हाँ बेटे,
कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरी आरती मुझसे बगावत करेगी, मुझे यूं जलील करेगी। वो भी एक टैक्सी ड्राइवर, एक टूरिस्ट गाइड के साथ। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूं, बाप। मैं दखल कर दूंगा अपनी जायदाद से। एक कौड़ी नहीं दूंगा उसे, एक कौड़ी नहीं दूंगा। दस्तखत नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को बेदखल कभी नहीं कर सकता, ना अपनी जायदाद से, ना अपने दिल से। लेकिन सुनिए, आपने कागजात अपने हाथों से तैयार किए हैं। वो मेरे दिल का टुकड़ा है शालू, मेरे दिल का टुकड़ा। मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ? लेकिन उसने आपके उसने साथ... चाहे कुछ भी किया हो, वो औलाद है और मैं बाप हूँ। वो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकती है और मैं उसे छोटी सी सजा भी नहीं दे सकता। वो मुझे भूल जाए ना, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं जा रहा हूँ उसे मिलने, उसके नए घर में। मैं भी चलूंगी। तुम सुनिए, आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ। सौतेली हुई तो क्या हुआ, मेरा दिल उसे मिलने को नहीं तड़पता। ठीक है, चलो। भाई, ये क्या हो गया? रिलैक्स, रिलैक्स पहना। भाई, कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं। तुम भी तो माँ हो, सौतेली ही सही। तुम्हारा भी तो मन उसको मिलने के लिए तड़प रहा है ना। जाओ मिलो, देखो, समझो। हाँ,
हो आरती। हेलो मामा। आरती। ला 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 आरती। बाय, सी यू सून। टेक केयर, ओके। बाय बाय। कितनी देर लगा दी, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। जानते हो कौन आया था? कौन? पापा। पापा यहाँ आए थे राजा, उन्होंने हम दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया है। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। लेकिन वो रुके नहीं हमसे मिलने। हाँ, रुके तो थे राजा, लेकिन आपने कितनी देर लगा दी, और उन्हें शाम की फ्लाइट भी पकड़नी थी ना। एनीवे चलो। कहाँ? सरप्राइज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो ना, चलो राजा, जल्दी चलो ना, क्विकली, कम ऑन। ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है आरती? हमारा। हमारा? ये हमारा महल है। इस महल के राजा हो तुम, इस महल की रानी हूं मैं। कैसा लगा राजा जी? समझे नहीं हम। बुद्धू, पापा ने हमें हमारी शादी के लिए तोहफे में दिया है। और तुमने कबूल कर लिया बगैर हमसे पूछे? क्यों राजा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हर बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देता है, तो उन्होंने हमें उनके देने पर नहीं, तुम्हारे कबूल करने पर अफसोस है आरती। आज तुमने राजा की गैरत, राजा की खुददारी, वो हमारी हर खूबी जिसे तुमने प्यार किया है, एक पल में सबका सौदा कर डाला। तुम्हें ये सब खुशियां चाहिए ना, ये सारे आराम चाहिए ना, तो हमें कुछ वक्त दो आरती, हम दिन रात एक करके तुम्हारे लिए सब हासिल कर लेंगे। तुम गलत समझ रहे हो राजा, मैं ये सब तुम्हारे लिए चाहती हूँ, खुद के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो हर खुशी, हर आराम मिले। तुम हमारी खुशी चाहती हो ना? हाँ। तो ये तोहफा अपने बाप को लौटा दो, और आज के बाद कभी भी अपने बाप से या अपने किसी भी घर वाले से कोई भी तोहफा या कोई भी मदद कभी कबूल मत करना, समझी? लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि जब दो बराबर के लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं तो वो तोहफा कहलाता है, लेकिन जब कोई रईस किसी गरीब को कुछ देता है तो वही चीज भीख कहलाती है, मदद कहलाती है। और राजा किसी से भीख नहीं लेता। बस अब चलो यहां से, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, यहीं रहो तुम, तुम्हारा सामान भी हम यहीं भेज देते हैं। जा रहे हैं हम, तुम यहीं रहना। राजा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और आज तुम मुझे ही छोड़कर जा रहे हो? आरती, समझते क्या तुम अपने आप को? आरती, तुम मर्द हो ना, जब चाहे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ राजा जी, कहाँ जाऊँ मैं? जब मैंने तुम्हारी जिंदगी में पाँव रखा तो वापसी के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हारे या फिर मौत के। आरती, हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? आरती, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। हमें माफ कर दो आरती, माफ कर दो हमें, हमने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, हमें माफ कर दो। लेकिन आरती, आरती हम उस मकान में नहीं रह सकते। आरती, हम उस मकान में नहीं रह सकते। तुम पर ऐसे 100 मकान कुर्बान राजा,
लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे दोबारा छोड़ने की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो आरती? इतना प्यार करती हो हमसे? आजमा लो। माफ करना मेम साहब, अभी तक आपका प्यार आजमाया नहीं हमने और इतनी मार खा चुके हम। क्या कहेंगे लोग पालन खेत में कि राजा अपनी जोड़ों से मार खाता है? जी, झूठ क्यों बोलते हो राजा जी? मैंने कब आप पर हाथ उठाया? अच्छा, बस यूं ही थोड़ा नाराज हो गई थी। थोड़ा सा नाराज? मैं क्या करूं राजा, जब भी मैं नाराज होती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अगली बार अगर मैं कोई ऐसी वैसी बदतमीजी करूँ तो मुझे दो थप्पड़ मार दिया करो। अच्छा, सोच लो। सोच लिया राजा। अभी एक थप्पड़ बाकी है राजा। ओ माँ। आरती, आरती क्या हुआ? आरती हाय बेबी, क्या हुआ? ओ राजा की जोड़ी बेबी, क्या हुआ बच्ची को? क्या हुआ बेबी को? क्या हुआ बच्ची को? हाय राम, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आरती, अरे नाच भी तो। क्या? ओ राजी, ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बलवंत, सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा था यार। ओ एक ही? ठीक है, तुम सारे मर्द एक से ही होते हो। अरे माटी बिल्ली, तेरा सपेटिया नाच। आरती हट। बेबी बेबी कुछ तो बोल, तुझे हुआ क्या है? पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है राजा जी, तुमसे दिल लगाने की सजा है, कैसा नशा है तुमसे
हमको किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए। जी करता कुछ कर जाए, प्यार में हद से गुजर जाए। हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुकर जाए। इस प्यार का तकरार का चाहत का है अपना मजा। अभी डर जाओ बहना तो बेहतर होगा, नहीं तो ये शिफॉन की साड़ी की जगह खादी की साड़ी होगी और ये प्याले की जगह भीख का कटोरा होगा। क्यों भाई? बाप और बेटी में खून का रिश्ता है और वो कभी नहीं टूट सकता। आज जीजा जी ने अपनी लाडली के नाम घर किया है, कल को पूरी जायदाद कर देंगे। लेकिन भाई उसके जिद्दी पति ने घर वापस कर दिया है। अरे घर वापस किया है, जायदाद वापस नहीं करेगा पगली। कल को जीजा जी के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद आरती के नाम हो जाएगी, फिर वो राजा हिंदुस्तानी नाम का टैक्सी ड्राइवर हम पर राज करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? सांप को मारने के लिए उसे बिल से निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि वो दोनों के दोनों यहाँ जाएं। फिर मैं ऐसा वार करूंगा कि शकुनी मामा भी शर्मिंदा हो जाए। नहीं आरती, हम बंबई नहीं जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तुम्हें कहाँ रोक रहे हैं आरती? देखो ना राजा, माँ ने कितना प्यार भरा खत लिखा है। वो चाहती है कि हर साल की तरह इस साल भी पापा और मैं अपना जन्मदिन एक साथ मनाएं, वरना पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लेकिन आरती, हमें एकदम वहाँ अजनबी सा महसूस होगा। तुम जाओ ना। तुम्हारे बिना? तुम चाहते हो मैं अपना जन्मदिन उदासी में गुजारूं? नहीं लेकिन। तो फिर हाँ कह दो ना राजा जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, प्लीज राजा जी हाँ कह दो प्लीज। ठीक है, हम मुंबई जाएंगे। थैंक यू। राजा मेरा घर आ गया। पापा पापा। आरती। अरे आरती। ओ माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, तुम आ गए। देखा भाई, मैंने नहीं कहा था कि आरती जरूर आएगी। ऑफ कोर्स। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली। पापा कहाँ हैं? बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। ये क्या, हमारी बिटिया अकेली आई है? हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ओह, मैं तो उन्हें बाहर ही बुलाई, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, हम सब चलते हैं अपने दामाद जी का स्वागत करने, देखे तो वो कैसे हैं। छुट्टी नहीं है? अरे छुट्टी कैसे नहीं है, टैक्सी चलाते हैं, अब छुट्टे पैसे नहीं रखते। अरे छोड़ो ना भाई, 2.5 रुपए की तो बात है। ढाई रुपए के कम होते हैं? चलिए हमारा नोट वापस दीजिए, हम आपको छुट्टे देते हैं। छुट्टे नहीं है, हमको क्या बेवकूफ समझा है? ये साहब, इतने बड़े बंगले में रहते हो, 2.5 रुपए के लिए खिचखिच रोता है। हम इस बंगले में नहीं रहते, हम पालन खेत में रहते हैं। चलिए सीधे से हमारे पैसे वापस दीजिए। चलिए। राजा, क्या हुआ, क्या बात है? अरे कमाल का आदमी है, टैक्सी का किराया हुआ है 47.50 रुपए, हमने उसको दिए 50 रुपए की नोट, अब हम 2.5 रुपए मांग रहे तो ये भैंस कर रहा है। रहने दो, सिर्फ 2.5 रुपए की तो बात है, चलो। क्या मतलब, पागल हो गए तुम? अरे मेहनत की कमाई है, हम भी टैक्सी चलाते हैं, लेकिन मजा ले कि आज तक हमने किसी के साथ बेमानी की हो। राजा, भाई भाई का हिसाब देते हम। राजा, चलो निकालो हमारे पैसे। ये तेरा 2.5 रुपया ले और बकबक बंद कर, भिखारी कहीं कहा।
किसको भिखारी बोला है? फोटो को टैक्स देगा, यूनियन में जाएगा, मारना ना यूनियन में जाएगा। राजा तेरी तो राजा बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ए जय बेटा ले जा इसे, ले जा बचाओ। ए भाई तेरे पैसे मिल गए तुझे। अरे काय का जा अक्का पागल है, इसके 2.5 रुपए के लिए राड़ा करता है, 5 रुपए के लिए खून करेगा, तो कहा वापस भेजो। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। लंबे बाज आदमी है। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आरती बेटा राजा बहुत थक गया है। हाँ। अंदर ले जाओ, जाओ बेटा आराम करो। तुम भी ना राजा, हर छोटी सी बात। लेकिन हमने क्या गलत बात की? ये बेमानी हम कर रहे थे। कैसे आदमी से ब्याह कर लिया आरती ने? बिल्कुल सही आदमी के साथ ब्याह किया है बहना, बिल्कुल सही आदमी के साथ। तुमने देखा नहीं से कितना क्रोध आता है? और जिस आदमी को इतना क्रोध आता हो उसे भड़काना बहुत आसान होता है। आग के ढेर में चिंगारी फेंको, हर तरफ शोले ही शोले। आरती बेटा जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आइए ना, कहिए। कैसे कहूं बेटा, मुझसे तो कहा भी नहीं जाएगा। कहिए ना आरती बेटा, मेरे भी कुछ अरमान, मेरे भी कुछ सपने हो सकते हैं, है ना? हाँ क्यों नहीं। आरती बेटा, मैं चाहती हूँ कि आज की पार्टी में राजा ये कपड़े पहने। खुद बनवाया है मैंने उसके लिए ये सूट, ये देखो राजा कितना जचेगा इस सूट में, है ना? लेकिन वो क्यों बेटा, तुम नहीं चाहते कि आज की पार्टी में हमारा राजा सबसे खूबसूरत दिखे? हुँ? हाँ है ना। लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की? तकलीफ बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे सिवा इस पूरी दुनिया में मेरा कौन है? हुँ? लेकिन बेटा राजा से मत कहना कि ये सूट मैंने तुम्हें दिया है, हाँ वरना वो नहीं पहनेगा, तुम तो जानती हो राजा कैसा है। तो फिर क्या कहूंगी मैं उनसे? ओ कम ऑन डार्लिंग, हर बीवी को अपने शौहर को पटाना आता है। हाँ कह देना कि ये सूट तुमने खरीदा है उसके लिए, राइट? एक ही तो बात है, तुम खरीदो या मैं खरीदूं, तुम्हारी बात पे मान जाएगा वो। ओ माय गॉड, सारे मेहमान आ गए हैं डार्लिंग, आई गॉट टू रश। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जा। ओके सूट पहना देना उसे। वेटिंग फॉर यू डॉल, कम सून। आरती, हमारा दिल नहीं कह रहा है कि आज हम इस महफिल में जाएं। क्या आप ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी उठिए, चलिए। आज आप ये पहनेंगे? हाँ हमने सोचा था कि आज की रात हम अपनी शादी का जोड़ा पहनेंगे। आज आप ये पहनेंगे? ये क्या है? सूट है, आप इसे पहनकर बहुत प्यारे लगेंगे, पार्टी में सब कहेंगे कि आरती के राजा से खूबसूरत और कोई नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से? जी 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 मैंने खरीदा है। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। तो क्या हुआ, इतने दिनों से आपकी जेब काट रही हूँ, आपको पता चला? ये सूट भी वही से है। अच्छा मगर वो ए, अब बहुत हो गई बहस, पहन भी लो ना, आपको मेरी कसम। आरती आरती, कितनी देर लगा रही बेटी, पापा तुम्हारे कब से इंतजार कर रहे हैं, कम 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 कम। दामाद जी आओ, मैं
मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। हमें? ओह, शर्मा रहे हो? जानते हो, हमारी इस पार्टी में शहर के बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे, रईस से रईस लोग आए हैं। आओ ना, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाती हूँ। लेकिन मेरी एक बात मानोगे, उन सब के सामने तुम चुप रहना, पोल खुल जाएगी। लेकिन तुम तो सब समझते हो, है कि नहीं? आओ ना। मिसेस चोपड़ा, आप कह रही थी ना, यही है आरती के पतिदेव राजा। एंड दिस इज मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा, लखनऊ मिल्स के मालिक। एंड दिस इज मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, यू नो गोयनका चेन ऑफ होटल्स। मामा जी राजा का। अरे बेटी कहाँ जा रही हो, अभी तो अपने पति को अकेले छोड़ा करो, लोगों से मिल जुल रहा है, खुश है, लेट हिम बी। अच्छा, आप क्या करते हैं मिस्टर राजा? हिंदुस्तानी राजा, हिंदुस्तानी, कितना अलग सा नाम है ना, राजा हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान मोटर कंपनी के मालिक। हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान मोटर, यू हैवंट हर्ड ऑफ इट? ओह माय गॉड, सैकड़ों गाड़ियां हैं इनके पास, रियली, आई मीन ही नोज़ हिज काउंट हिमसेल्फ ऑफ हाउ मेनी कार्स ही हैज। ये सब क्या कह रही हैं आप? ओह आई एम सॉरी राजा, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ इसलिए नाराज हो रहे हो। आई मस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट, सॉरी राजा, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, इनको अंग्रेजी से सख्त नफरत है। इनका कहना है कि अंग्रेजी वही लोग बोलते हैं जिनको। ये आप क्या कह रही हैं? जी नहीं, हमें अंग्रेजी भाषा से कोई शिकवा नहीं है। सच तो ये कि हम अंग्रेजी बोलना जानते ही नहीं है, और ये समझती हैं कि जिसे अंग्रेजी बोली नहीं आती वो छोटा हो जाता है, जलील हो जाता है, आपके समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहता। आप चुप रहिए और हमारी एक बात और सुन लीजिए, हम कोई मोटर कंपनी के मालिक नहीं है, हम राजा हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर टूरिस्ट गाइड है। ओह गॉड, हजार गाड़ियां तो दूर, हमारे पास अपनी टैक्सी भी नहीं है, वो भी चाचा चाची की है। अभी आपको हमसे बात करना है तो बोलिए। देखिए, प्लीज एक्सक्यूज मी राजा, तुम इधर आओ। राजा, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? मैंने तुमसे क्या कहा था, चुप रहना। लेकिन आप हमारे बारे में सबसे झूठ क्यों कह रही हैं? तो क्या करूं, सच कह दूं, बक दूं सबके सामने कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हकीकत क्या है, कि टैक्सी ड्राइवर हमारे इतने बड़े घर का दामाद बन कर आया है। तुम तो बेशरम हो ही, तुम्हें तो शायद शर्म भी नहीं आती होगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, हम शरीफ लोग तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो के थक चुके हैं, do you hear me? अब हमें और शर्मिंदा मत करो, प्लीज। Bubbles, darling. पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हम ऊपर जा रहे हैं। आहा, कितना खूबसूरत सूट पहना है राजा बेटा ने। बेटा कहाँ से खरीदा? ये आरती खरीद के लाई हमारे लिए। क्यों हंस रहे हो? हाँ क्यों हंस रहे हो बेटे तुम? अरे डैड हंसू नहीं तो और क्या करूँ, ये सूट मेरा है, कितनी बार पहन चुका हूँ मैं। तुम्हारा है? हाँ, लेकिन राजा मेरे समझ में नहीं आता आरती ने तुमसे झूठ क्यों बोला। ओ आई सी, आरती बेटी शर्मिंदा हो रही होगी क्योंकि राजा के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इस महफिल के लायक बनाने के लिए उसने जरा सा तो झूठ बोला है बेटा तुमसे। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हमसे? अरे ये क्यों झूठ बोलेगा, जब आरती तुमसे शर्मिंदा है तो आरती से जाके पूछो, हम क्या करें? जाओ पूछो आरती से, पूछो पूछो। जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरे पतिदेव और मेरी प्यारी प्यारी बेटी आरती का जन्मदिन है। उफ, क्या रात आई है। Yeah!
Tere ishq mein naachenge, tere ishq mein naachenge.
कहाँ ले जा रही हो मैं? बहुत तमाशा कर चुके हो राजा, चलो कमरे में चलो। नहीं, कमरे में नहीं, यहाँ सबके सामने। जो बोलना है सबके सामने बोलो, बहुत हो गया पर्दा। बस स्टॉप इट नाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से इस तरह बदतमीजी करने की? अगर एक लफ्ज भी और कहा। आप चुप रहिए, मियां बीवी के बात में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? बहुत दखल देते हैं आप हमारी जिंदगी में, चुप रहिए आप। राजा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें सबके सामने, क्यों शर्मिंदा? हाँ शर्मिंदा, अब आई है असली बात जुबां पर, सुन रहे आप लोग? ये सब हमसे शर्मिंदा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक मामूली आदमी, एक टैक्सी ड्राइवर इतने बड़े घर का दामाद बनकर आया है, और इस अनपढ़, इस गवार, इस जाहिल को अपनाने में सबकी गर्दन शर्म से झुक चुकी है। बेचारे झूठी शान के मारे। राजा राजा तुम भी तो शर्मिंदा हो हमसे। मैं? नहीं हो? नहीं। झूठी, मक्कार, धोखेबाज, तुम भी औरों जैसी निकली। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप सबके सामने मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? क्या नहीं किया है तुमने? झूठ बोला है हमसे झूठ, इस झूठी महफिल के काबिल बनाने के लिए किसी के फेंके में कपड़े तक पहनाए हमें। मैंने? नहीं पहनाए तुमने, ये कपड़े खरीदे हैं तुमने? राजा मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि झूठ कहा ना तुमने, कहा ना तुमने झूठ। अच्छा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, सोचो तो, दरअसल आरती बेटी ने झूठ तुमसे इसलिए कहा क्योंकि झूठ, सब झूठ कह रहे हैं। पूछो इससे, क्या ये कपड़े इसके नहीं है? मेरे? क्या तुम इसके पास नहीं गई थी हमारे लिए भीख मांगने के लिए? मेरे कपड़े? क्या बकवास कर रहे हो तुम राजा, मैंने कब तुमसे कहा कि ये कपड़े मेरे हैं भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो? आरती बेटी को सबके सामने शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? झूठे, झूठे, तुम सब झूठे, सब झूठे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। दुखाया मैंने, चले जाओ यहां से, चले जाओ, निकल जाओ।
आरती, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। अभी पालन खेत जाना होगा पापा, राजा को ये बात जल्द से जल्द बतानी होगी। हाँ, नहीं आरती, तुम किसी हाल में भी सफर नहीं कर सकती। क्या? बेटे तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। देखो तुम्हारे दिल या दिमाग पर जरा भी जोर पड़ा ना तो बच्चे के गिरने का डर है। अब तो तुम्हें 6 महीने तक बहुत ही संभल कर चलना है। सहगल साहब देखिए ये किसी हाल में भी सफर न करे। ठीक है। लेकिन डॉक्टर आंटी, आप नहीं जानते मेरा जाना कितना जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो वो... मैं जाऊंगी। आरती बेटा, आखिर तुम्हारी ये माँ किस दिन काम आएगी? हाँ, मैं राजा को लेकर आऊंगी। हाँ? अगर वो रूठा है तो अपनी अच्छी बेटी की खुशी का वास्ता देकर मैं उसे मना कर लाऊंगी। हाँ, लेकिन वो, अरे पगली, तो फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, सब कुछ अपनी इस माँ पर छोड़ दे। माँ, सब कुछ। बिल्कुल। देखो राजा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुमने भी एक बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उसे वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पति पत्नी के बीच में चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन तुम्हें उसे वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आई डोंट लाइक इट चाचा। वहां बहुत तमाशा हो गया था चाचा, बात बहुत आगे बढ़ गई थी, और हमने भी पहली बार शराब पी थी ना, उस नशे में न जाने हम क्या क्या कर बैठे। लेकिन चाची, उन्होंने भी हमें काम नहीं उकसाया था, और आरती, आरती ने हमारे साथ... नहीं राजा, नहीं, आरती पर शक मत करना। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, हर पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी। जा जा, तू उसे मना ला। वो हमसे बहुत नाराज है चाची, वो नहीं आएगी। अरे पगले, पत्नी की नाराजगी भी भला कोई नाराजगी होती है? वो बेचारी तो तेरी राह तक रही होगी। जा बेटे जा, मना ला उसे, जा। वो नहीं आएगी चाची, वो... सोचता ही रह गया, और वो बेचारी आ भी गई। आरती, आरती, देख बेबी आ गई। आरती,
और ना ही आएगी। ये क्या है? पढ़ लीजिए। जी? ये क्या है? ये तलाक, 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 तलाक। लेकिन क्यों? इस तलाकनामे में सब लिखा है। नहीं, हमारी आरती ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी उसके पास, हम सब जाएंगे उसके पास, हम जाकर समझाएंगे उसे कि नहीं, कोई नहीं जाएगा उसके पास, कोई नहीं जाएगा उसके पास हमारे लिए भीख मांगने, गिड़गिड़ाने। वो क्या समझती है अपने आप को? तलाक चाहती है हमसे, हमसे जी लेगी हमारी बगैर वो, तो ठीक है हम भी उसके बगैर जी लेंगे। राजा तू ये क्या बोल रहा है बेटा? नहीं चाची नहीं, अगर आप में से कोई भी उसके पास गया तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ए, हम यहाँ तेरा नया तमाशा देखने नहीं आए हैं। अगर इतना गुरूर है, इतनी नफरत है तुम्हें हमारी आरती से, तो कर देना दस्तखत इस तलाकनामे पर। तो उस बड़े बाप की बेटी से कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा जो कागज पे किए हुए एक दस्तखत से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। अग्नि के साथ फेरों के बाद यह बंधन अटूट हो जाता है, चाहे फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। ये कागजात जो तुम्हारे हाथ में हैं, वो तलाक के हैं, जिन पर उसने दस्तखत भी किए हैं। वो तुमसे तलाक चाहता है मेरी बच्ची? नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। माँ, माँ आपने कहा था आप उसे मना कर लाएंगी, आपने कहा था ना? क्या करोगी मेरी बच्ची? मैंने तो बहुत कोशिश की, उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़ गई मैं, उससे कहा कि मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कर, लेकिन हम क्या करते, वो तो तुझसे बेइंतहा नफरत करने लगा है। आपने उसे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ कहा, 100 बार कहा, लेकिन मेरी बच्ची उसने इतनी घटिया बात की कि बताने में भी शर्म आती है। क्या कहा उसने तो राज, क्या कहा उसने? चीचा जी, उसने कहा बच्चा गिरा दो। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता आरती। वो कुछ भी कर सकता है पापा, अपने क्रोध में, अपनी जिद में वो कुछ भी कर सकता है। नहीं आरती, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। मुबारक हो पापा। क्या अपना श्राप भूल गए पापा? श्राप?
याद है आपको पापा, मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था और आप ही ने कहा था कि मेरी शादी कभी सफल नहीं होगी। आपसे दूर रहकर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी पापा, आपकी बात सच निकली। नहीं आरती, वो तो बस ऐसे, औलाद नहीं जननी पापा, जो अपने माँ बाप के श्राप से बच सके। लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी। वो मुझे छोड़ना चाहता है ना, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके बच्चे को जन्म दूंगी, बस इतना ही है कि दुनिया से एतबार उठ गया, मोहब्बत से एतबार उठ गया। राजा एतबार मत करना। मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुँह मोड़ के
लल्लू मेम साहब बेबी की सौतेली अम्मा। अम्मा? अम्मा ऐसी होती है क्या? मेम साहब जी नमस्ते। नमस्ते मेम साहब जी। तू यहाँ क्या कर रही है? बम्बई घूमने आई हो जी। ये मेरा आदमी बलवान सिंह। ओए नमस्ते कर पैर पार। मैं ये देख रहा था ये ऊंचे लोग नीचे से कैसे लगते हैं। गॉड देहाती देहाती कमीने क्या कर रहा था तू उधर है? करो तू इतने साड़े इनके नीचे सेवा की पली क्या मेरे को मौका नहीं देगी? इनकी गड्डी तो मैं चलाना लेफ्ट राइट में। बलवान रुकी क्या है तुझसे बड़ी कौन हो जी? कमल इसे कहो ये बंद करे। ओ बलवान बंद कर। ओ रेड दे मेम साहब सोनी है। ओ स्टॉप इट। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेम साहब जी हम लोग ना आरती बेबी से मिलने आए हैं। ऐसी क्या बात हो गई राजा और उसमें कि तुमसे मतलब? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। नफरत करती है तुम लोगों से वो। तुम लोगों को भूल जाना चाहती है वो। मुझे आपकी बात का यकीन नहीं है। Shut up and get out of here. और दोबारा आने की यहाँ हिम्मत मत करना समझे? ओए बस कर सत श्रीकाल। ओए चल चल। नहीं पलवान बात तो सुन। पलवान चल। पलवान चल। पलवान रुक जा। की है पलवान वो देख। ओए ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ राजा हमने अपनी आंखों से बेबी के हाथों में बच्चे को देखा था। तेरा बच्चा बड़ा प्यारा है राजा। आरती ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों है? वो तेरा बच्चा है हमको पता तक नहीं है। वो तेरा बच्चा है तेरा अपना खून है यार। हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। आज करवा चौथ है और हर सुहागन की तरह आज मैं भी दुआ मांगती हूँ कि मेरा सुहाग जहाँ भी हो जैसे भी हो उन्हें मेरी उम्र लग जाए। को संभालिए मैं पुलिस को फोन करके आता हूं अभी। हाँ, चल जाए। यस डैड। क्या कर रहा है तू? पुलिस को फोन कर रहा हूं डैड। डैड गधे का बच्चा है तू। मेरी औलाद नहीं हो सकता। लेकिन डैड आप ही तो सुन हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के कुछ और होते हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिल सकता। क्या राजा और उसके बच्चे की गर्दन काट देते हैं डैड। सुन किसी को शक भी नहीं होगा आरती आजाद हो जाएगी। हाँ फिर तेरा ब्याह उसके साथ कर देंगे।
इस तरह जीजे की सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में है। और सुन, हाँ, अपनी बुआ से बात मत करना, बिल्कुल मत करना। नहीं, क्यों डैड? बहुत बेवकूफ है। हाँ, मैं जानता हूँ एक दिन मुझे ले डूबेगी, लेकिन उसका पत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता साफ कर देंगे। ओह डैड, यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस। अब हमको ये पता लगाना है कि राजा बच्चे को लेकर कहाँ गया है। जीजा जी, जीजा जी, पुलिस ये जानना चाहती है कि राजा बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है। पालन खेत, वो देखिए ना फूलों की हालत। आप तो माली को डांटते भी नहीं। मैं माली बन जाऊं? नहीं। आरती, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं आरती, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बेटे, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था बेटे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तुमने राजा को तलाक नामा भेज दिया? तलाक नामा मैंने भेजा था चाची, रिश्ता मैं तोड़ना चाहती थी। मेरे पेट में तो बच्चा था चाची, मैं तो सफर भी नहीं कर सकती थी, और राजा ने चाहा मैं अपना बच्चा गिरा दूं। इतनी नफरत करता है वो मुझसे। आरती, ये तुम क्या कह रही है? राजा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? मैं मानती हूँ वाला है, पुराने ख्यालात का है, लेकिन आज भी आरती वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। वो तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा मामा, तुम्हारे दस्तखत किए हुए तलाक नामे के साथ यहाँ आए थे। पूछो अपनी माँ से, आरती पूछो, वो यहाँ रिश्ता तोड़ने आई थी कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता, हकीकत क्या है? नहीं, सच बता वरना तेरे चमड़े उतार लूंगा। बता। बताती हूँ, बताती हूँ। तलाकनामा पर राजा का दस्तखत नहीं था, भाई का था। राजा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था आरती के साथ, हम आरती और राजा का घर तोड़ना चाहते थे। क्यों? आपकी जायदाद और आपकी बेटी पर काबू रखने के लिए। मेरी बेटी का घर बर्बाद किया जायदाद के लिए? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरती, तू इसे बचाना चाहती है, इसे जिसे तेरा घर तोड़ा? नहीं पापा, मैंने अपना घर खुद तोड़ा, किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन माँ, एक बात मैं कह दूं, मैं बिन माँ की औलाद हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात का अंधविश्वास किया, क्योंकि तुमने मुझे माँ का वास्ता दिया, और माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। कभी किसी औलाद की जिंदगी के साथ माँ का नाम लेकर खिलवाड़ मत करना, वरना आज के बाद कोई किसी माँ पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आरती। आरती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल सुबह का सूरज निकलते ही राजा अपने बच्चे को लेकर सीधे अपने घर चलाएगा, वहां हम तुम्हारा मिलाप करवा देंगे बेटी, है ना? राजा, राजा, राजा आ गया। आरती, राजा आ गया, उसके पास बच्चा भी है। लेकिन सुन, तू उसके सामने नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी। पहले हम उसे मिलेंगे, उसे समझाएंगे, उसके बाद तू आना। आप इसे सामने मत जाने दीजिए प्लीज। चाची, राजा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, चाची, हमारा बच्चा। राजा, राजा, नहीं, बेबी, राजा रुक, रुक राजा, नहीं, नहीं राजा, सुनिए,
तूने मेरी बेटी का घर तोड़ा। की बात तो सुन राजा, उसकी बात तो सुन। नहीं नहीं, आज कोई कुछ नहीं कहेगा, आज सिर्फ राजा कहेगा और आरती सुनेगी, आरती कहेगी और राजा सुनेगा। कसूर हमारा है राजा, कि हमने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और दुनिया की बात मानी। खोट हमारे रिश्ते में है, जो इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट गया। मैंने ये कैसे मान लिया राजा, कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं नफरत करते हो, और तुम राजा, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुमसे बेवफाई कर सकती हूँ, तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हूँ कि हमारा बच्चा है। मेरा विश्वास करो राजा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, क्या चाहते हो तुम राजा, कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? मैं चली जाती हूं, तुम्हें बच्चा चाहिए ना राजा,
बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मैं सब कुछ सहकर जी लूंगी राजा, लेकिन तुम्हारा ये शक, तुम्हारी ये नफरत मैं नहीं सह सकती। लेकिन सिर्फ एक बात याद रख लेना राजा, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करती रहूंगी। राजा उसे रोक ना। बेबी ना जा, बेबी बेबी रुक जा बेबी। चलो पापा चले। बल्ले कुछ कर, बल्ले कुछ तो कर, बल्ले बेबी। परदेसी 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 जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, हाँ मुझे छोड़ के।